मेरे ख्याल से गांधी भारत हैं और भारत गांधी है। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, इसको समझना उतना ही कठिन है। गांधी ने जिस तरह से भारत में राजनीति की, मैं कहूँगा जिस तरह से गांधी ने भारत में समाज नीति की, वो इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि वो भारतीय समाज की असलियत को पूरी तरीके से समझते थे। देखिए, हर परंपरागत समाज और भारत जैसा समाज जो कि हज़ारों साल पुराना है, उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि वो आधुनिकता के साथ में, मॉडर्निटी के साथ में अपना रिश्ता कैसे कायम करे। और उसके उसका एक बहुत ही सारी दुनिया में एक प्रचलित फार्मूला है कि परंपरा को खारिज कर दिया जाए और कहा जाए कि हम परंपरा के खंडरों पर आधुनिकता का महल बनाएंगे। गांधी ने इस प्रचलित फार्मूले को मानने से इनकार किया। गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हम परंपरा को ही आधुनिकता का रूप दे देंगे और परंपरा के उन रूपों को अपनाएंगे जो कि आधुनिकता के अनुकूल हैं, न केवल आधुनिकता के अनुकूल हैं बल्कि आधुनिकता को अपने हिसाब से मोड़ते भी हैं। इस तरह उन्होंने परंपरा और आधुनिकता का एक ऐसा संश्रय है, एक ऐसा रचनात्मक समझौता तैयार किया गांधी ने, जिसकी वजह से भारत पश्चिमी आधुनिकता का वाहक नहीं रह गया बल्कि वो एक अपने तरह की आधुनिकता की पेशकश कर सका। इसलिए गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन जो मौजूदा हमारे यहाँ पार्टी प्रणाली है और जिस तरह की राजनीतिक प्रतियोगिता चलती है, उसमें दूसरी चीज़ें गांधी विचार के ऊपर हावी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति तात्कालिक है, उनकी प्रकृति फौरी है। जब भी आप दूरगामी दृष्टि से देखेंगे, जब भी कोई नौजवान गंभीर होकर अपना सिर मोड़कर कंधे के ऊपर पीछे सिंहावलोकन करेगा, अपने गुजरे हुए जमाने की ओर देखेगा, और जब भी वो अपने से एक फुट आगे अपने भविष्य में देखना चाहेगा, तो उस वक्त उसे गांधी की आवश्यकता पड़ेगी।